पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को इतने ही दिन रह गए हैं जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकें। इसी बीच जो नया देखने को मिल रहा है वो है नेताओं का हिंदुत्व प्रेम। ममता तो हिंदुत्व पर बीजेपी हमेशा से ही घेरती आई है, लेकिन इस बार ममता भी हिंदू रंग में रंगी नजर आ रही हैं। आज जहां ममता ने भोले बाबा से अपनी जीत की दुआ की, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी हनुमान जी के यहां मत्था टेकते नजर आए। देख रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। आज नामांकन से पहले मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा की। वहीं दूसरी ओर रोड शो से पहले बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हनुमान मंदिर जाकर मत्था टेका। आज रोड शो कर रहे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ने गलत मंत्रोच्चारण कर बंगाल की संस्कृति का अपमान किया है। इससे पहले उन्होंने कई बार भगवान राम का अपमान किया और माँ सरस्वती का भी मंत्र गलत बोला। बंगाल की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। 12 मार्च को पर्चा भरेंगे शुभेंदु अधिकारी। बता दें कि आज रोड शो करने वाले शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से 2 दिन बाद यानी कि 12 मार्च को पर्चा भरेंगे। ममता बनर्जी ने पिछली बार भवानीपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। भवानीपुर से शोभन देव चट्टोपाध्याय को टिकट दिया गया है। माय फीलिंग्स इज वेरी क्लियर। मेरा फीलिंग्स ये है, अगर भवानीपुर में जो हमारा घर का क्षेत्र है वो हमारे पास कोई टाइम का बात नहीं थे, हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी के लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा, लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। बीजेपी ने ममता पर लगाए तुष्टीकरण के आरोप। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के तुष्टीकरण जैसे आरोपों पर कहा है कि मैं भी हिंदू घर की बेटी हूं, मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो, मैं चंडी पाठ करके घर से निकलती हूं, बहुत 70-30 कर रहे हो आप लोग, इंसान में 70-30 कुछ नहीं होता, लोगों में विभाजन की राजनीति सही नहीं है। देखना होगा कि भगवान भरोसे बैठे तमाम नेताओं में से वो किसकी सुनते हैं और बंगाल पर राज करने का मौका किसे देते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।